हेलो एवरीवन, दिस इज़ दीक्षा राठौर एंड वेलकम टू स्टडी फॉर करियर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम अघोष और सघोष व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम में इनसे क्वेश्चन बनते हैं। सो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, तभी वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। तो शुरू करते हैं। देखिए, अघोष और सघोष व्यंजन, सबसे पहले बात करती हैं अघोष व्यंजन की। देखिए, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में कम झंकार पैदा होती है उन्हें कहते हैं अघोष व्यंजन, मीन्स जिसमें श्वास का उपयोग होता है ना। तो ये होते हैं अघोष व्यंजन, जिसमें उच्चारण में कम झंकार पैदा होती है। सघोष होते हैं जिनके उच्चारण में, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर यंत्रियाँ जो होती हैं वो अधिक झंकृत होती हैं, मीन्स अधिक झंकार उनमें होती है, तो वो कहलाती हैं सघोष व्यंजन। क्लियर है? तो आगे हम बात कर लेते हैं। देखिए डियर, ये जो मैंने लिखा है, जैसे ये व्यंजन है, तो आपको कैसे इसको याद रखना है। जैसे मैंने यहाँ पर व्यंजन लिख लिए हैं, तो पहला और दूसरा है ना, पहला और दूसरा वर्ग जो है ये आपके क्या हैं, अघोष व्यंजन। कौन से हैं? अघोष व्यंजन। क्लियर है? ये आपके कौन से व्यंजन हैं? अघोष व्यंजन। लेकिन तीसरा, चौथा और पांचवा, ये जो आपके व्यंजन हैं, ये आपके क्या हैं? सघोष व्यंजन। क्लियर? देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हो, अघोष व्यंजन जो होता है आपका पहला वर्ग और दूसरा वर्ग, ये आपका क्या है? अघोष व्यंजन। पहला जो है आपके क से प तक और दूसरा जो है आपके ख से फ तक, तो ये आपका जो वर्ग है ये आपके अघोष व्यंजन कहलाते हैं। और जिसमें श श और ह, सॉरी श स और ह, ये जो हमारे व्यंजन हैं ये भी किसमें आते हैं? अघोष व्यंजन में। देखिए, मैंने यहाँ बिल्कुल आपको क्लियर तरीके से दिखाया हुआ है, पहला जो है क से प तक, दूसरा है ख से फ तक, तो ये क्या आपके अघोष व्यंजन, और श श ह वर्ग जो है ये भी क्या है आपका अघोष व्यंजन। क्लियर? नेक्स्ट जो है सघोष व्यंजन, तीसरा चौथा पाँचवा जो वर्ग है, जैसे आप देख सकते हो ये वाला तीसरा चौथा और पाँचवा जो वर्ग है ये आपके सघोष व्यंजन है। और जो अंतस्थ व्यंजन है, जैसे य र ल व ह, तो ये आपके क्या है? सघोष व्यंजन। देखिए, मैंने यहाँ लिखा है अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन जो होते हैं ये भी आपके क्या है? सघोष व्यंजन। क्लियर? यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, देखिए पहला और दूसरा आपका क्या है? अघोष व्यंजन, क से प तक। दूसरा है ख से फ तक, आपका क्या है? अघोष व्यंजन। पहला और दूसरी जो लाइन है ये आपकी अघोष व्यंजन की है, और तीसरी चौथी और पांचवी जो है आपकी, ये क्या है? सघोष व्यंजन। और साथ में आप याद रख लेना, जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं ये भी क्या होते हैं? आपके सघोष व्यंजन। ओके डियर, तो यही है आज का टॉपिक, मैंने आपको क्लियर कर दिया है। काफ़ी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़, फॉलो मी ऑन अन अकेडमी। टिल देन, बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।